press the bell icon for all the updates. सबसे ज्यादा जोक्स आई थिंक मैं क्रैक करती हूँ. हाँ, थैंक यू सो मच. अच्छा, पोल पोल सेगमेंट क्या लगता है, कितनी पोल खोलने वाली है? बहुत लोगों की पोल खोलने वाली हूँ मैं. अगर आप ऐसा सेगमेंट मुझसे करवा रहे हैं तो फिर ओके. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग कौन लगता है सर? सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग आई थिंक पारू अप्पी पारस. आई थिंक वो बहुत ही एंटरटेनिंग है. तो और भी लोग बहुत एंटरटेनिंग है. दृष्णा बहुत एंटरटेनिंग है. जो मरियम है वो बहुत एंटरटेनिंग है. रुखसार जी एक्सट्रीमली एंटरटेनिंग है. नेक्स्ट लेवल एंटरटेनिंग. मेरी और उनकी बहुत बहुत स्पेशल बॉन्ड है मेरा और उनका. तो आई थिंक शी इज़ वेरी एंटरटेनिंग. सबसे ज़्यादा हंग्री कौन नज़र आता है जो खाना देखे? भुक्कड़ अविनाश. जैसे ही वो खाना देखता है वो टूट पड़ता है, बिकॉज ऑब्वियसली इतने मसल्स बनाए हैं तो खाना चाहिए बॉडी को और प्रोटीन चाहिए बॉडी को. सो ही इज द बिगेस्ट फूडी आई नो. सबसे ज्यादा रेस्ट लवर कौन है जिसको एक शॉट देके आने के बाद और रेस्ट नहीं चाहिए? रुखसार जी. आई थिंक शी जब ब्रेक होता है तो शी स्लीप्स इन बिटवीन सीन्स. सो या. जो बोरिंग आई थिंक कोई नहीं है बोरिंग हमारे सेट पे, सब बहुत इंटरेस्टिंग है. लेट लतीफ फिलहाल तो नहीं, बट थोड़े 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 कभी 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 खालिद जी. प्रैंकस्टर आई थिंक अविनाश और पारस दोनों ही हैं और दृष्णा भी है. बच्चे हैं जो बाकी बच्चे हैं, लक्ष्मी नन्हे और बाकी सारे बच्चे लल्लू अच्छे, ये सब लोग प्रैंकस्टर्स हैं सेट पे. तो ये लोग बहुत मस्ती करते हैं. सबसे ज़्यादा जोक्स आई थिंक मैं क्रैक करती हूँ और हाँ एक्चुअली मैं आई थिंक द जोकर. राजीव जी. मैं नाम नहीं ले पाऊंगी बट हाँ ऐसे लोग हैं, कुछ कुछ एक्टर्स हैं, कभी कभी हो जाता है सबसे. गॉसिप मेकर अविनाश. वैसे एंटरटेनिंग में हमारे दादा हुजूर बहुत एंटरटेनिंग है और बहुत ही उनकी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है, तो बहुत मजा आता है उनके साथ सीन्स करने में. तो दादा हुजूर भी बहुत एंटरटेनिंग है. टी टाइम पार्टनर जो बाजू में बैठा हो, टी टाइम पार्टनर जो बाजू में बैठा है उसके साथ चाय एक बनती है. बट वैसे तो चाय रुखसार जी के साथ सबसे ज्यादा होती है और हाँ रुखसार जी आती है. बहुत फन सेगमेंट था, बहुत लोगों की पोल खुली तो मुझे बहुत मजा आया बताने में आपको कि कौन क्या क्या करता है बिहाइंड द सीन. जी मैं लोगों को कहना चाहती हूँ थैंक यू सो मच कि आपने मेहर खान को इतना सारा प्यार दिया और हमारे शो को मरियम खान को. बट प्लीज़ आप हमारा शो देखिए क्योंकि बहुत ही अच्छा शो है, एक बहुत खूबसूरत कोशिश है कि एक अच्छा शो बने. और आप ये शो देखेंगे तो आप इसके साथ जुड़ पाएंगे और ये बहुत ही सेक्युलर शो है. और मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा अपनी फैमिली के साथ ये शो देखे और यंगस्टर्स भी देखे क्योंकि बहुत एंटरटेनिंग शो भी है और बहुत ही लाइट हार्टेड है. सो आई जेन्युइनली वांट अ लॉट ऑफ ऑडियंसेस टू वॉच दिस शो बिकॉज ये बहुत अच्छा शो है. Thank you. Thank you.